2.3 क्वेश्चन नंबर 1 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 सॉल्व करना हमको, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में कर लेंगे, ये 2x जो है राइट साइड में है इक्वल टू के, इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, साइन चेंज कर देंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 18 पहले भी राइट में था और अब भी राइट में, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3x माइनस 2x होता है x, x इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर है। अब हम इसको चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 18 ट्रू है या फॉल्स है। पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन, यह इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू x, x की जगह 18 प्लस 18, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 प्लस 18, 54 इक्वल टू 54। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इट मीन्स x इज इक्वल टू 18 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7। अब हम x वाली टर्म को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 8x, 3x राइट से लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 7 पहले भी राइट में थे अब भी राइट में है, प्लस 4 लेफ्ट से राइट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 8x माइनस 3x 5x, 7 माइनस 3 प्लस 4, प्लस 4 और माइनस 4 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 0, यह आंसर है। इसको चेक करेंगे कि ठीक है गलत है। बुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, 8x 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1, x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7, 8 इंटू 0 प्लस 4, 0 और माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 की 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 प्लस 7, 7 माइनस 3 4, 4 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, राइट हैंड साइड, therefore x is equal to 0 is true answer. Question number 16. It is given that ABC is a right triangle in which O is midpoint of AC, यानी कि AO equal to OC given है। अब हमको इसमें यह बताना है, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए बी एंड सी, ओ ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हमको प्रूव करना है। प्रूफ, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ सी 90 डिग्री एट द पॉइंट सी, और बी ओ को हम आगे बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस बी ए टू डी, जो 90 डिग्री के एंगल को ई पर काटेगा, ज्वाइन ए, ए को मिला देंगे। अब एंगल बी पर भी 90 का एंगल है, सी पर भी 90 का एंगल है, तो ये ए बी सी ई एक रेक्टेंगल बन जाएगी। रेक्टेंगल में क्या होता है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी ई, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ ऑन बोथ साइड्स, ए सी का हाफ क्योंकि ओ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए सी का हाफ ओ ए और बी ई का हाफ। डायगोनल रेक्टेंगल में बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो बी ई का हाफ ओ बी होगा, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, बट ओ ए ओ सी के भी इक्वल है फ्रॉम गिवन, क्योंकि ओ ए सी का मिड पॉइंट था, तो इनकी कंपैरिजन करेंगे, फ्रॉम कंपैरिजन ओ ए ओ बी के इक्वल भी है, ओ ए ओ सी के भी इक्वल है, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू।